ब्रेक शू को साफ करते समय या ड्रम ब्रेक को साफ करते समय कौन सी ऐसी गलती है जो कि सबसे ज़्यादा की जाती है, और ब्रेक शू पर कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, क्या ऐसे चेक्स हैं जो आपको ब्रेक शू पे करने चाहिए, और कैसे आप ब्रेक शू को या ड्रम ब्रेक को साफ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने नए ब्रेक शू डलवाए हैं उसके बाद भी अगर आपकी बाइक में या गाड़ी में ब्रेक कम लग रहे हैं, या खास करके पुरानी बाइक में आपने देखा होगा कि आप ब्रेक शू नहीं डलवाने के बाद भी ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा दबा रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा ब्रेक तो आपके घिस चुके हैं, आपको डाउट ये भी आता है कि मिस्त्री ने कहीं पुराने ब्रेक शू तो नहीं डाल दिए हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आपको आती है कि नए ब्रेक शू डलवाने के बाद भी स्प्रिंग आपका पूरा दबा रहता है तो उस चीज़ का क्या कारण हो सकता है और उसका क्या समाधान है, तो इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस वीडियो में मैं जिस तरह के ब्रेक की बात कर रहा हूँ वो मैं इस तरह के ब्रेक शू और ड्रम ब्रेक की बात कर रहा हूँ, ये आपको मोटरसाइकिल में भी मिलते हैं, कार के पीछे वाले टायरों में भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे वाहन हैं जिसमें इस तरह के ड्रम ब्रेक या ब्रेक शू दिए जाते हैं। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगा ये सभी के लिए मान्य होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो कि सबसे ज़्यादा की जाती है ब्रेक शू को बदलते समय या साफ़ करते समय। तो देखिए, हमारी एक कॉमन सी बात होती है कि जैसे ही हम ब्रेक शू को साफ़ करने चलते हैं तो हम कपड़े की सहायता से या अपने हाथ से ही ऐसे इस ड्रम ब्रेक को साफ़ करते हैं। पहले तो बात हाथ से ऐसे साफ़ करते हैं, दूसरा हाथ से नहीं तो हमारे पास जो भी कपड़ा होता है उससे हम ऐसे फिरा के इसको साफ़ करते हैं। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं कि चाहे वो मिस्त्री हो चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, जो गाड़ी पे काम करता है उसके हाथ में ऑयल और ग्रीस लगा ही होता है, वो हाथ काले ही मिलेंगे आपको, और कपड़ा भी उसके हाथ में जो होगा उसमें ग्रीस या ऑयल होगा ही होगा, तेल उसमें लगा ही होगा। तो अगर हम तेल लगे हुए कपड़े को, देखिए इस तरह से जैसे इस कपड़े में ऐसे ग्रीस ये लगा हुआ है, तो इसको अगर हम यहाँ पर फिराएंगे तो क्या होगा, इस वाली सतह पर जो ड्रम ब्रेक है ये यहाँ पे ये कहीं ना कहीं तेल की एक परत चढ़ा देगा या ग्रीस हल्का सा लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम हाथ से काले हाथ हमारे हुए हैं, तेल के हाथ है, ग्रीस के थोड़ा बहुत हाथ हुए हैं, उससे हम इसको साफ़ करेंगे तब भी यही दिक्कत आएगी, और यही गलती है जो सबसे ज़्यादा हो जाती है जाने अनजाने में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कभी ड्रम को साफ़ करेंगे तो आपको गंदा वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल आपको फ्रेश कपड़ा लेना है। ये निश्चित करना है कि कपड़े पर कहीं भी कोई किसी तरह का ऑयल ना लगा हो ना किसी तरह का ग्रीस लगा हो, और उसके बाद ही आपको इसको साफ़ करना है। इस तरह से ये जो कार्बन है इस तरह से आता है, गंदगी निकलती है, ये आपको पूरे साफ़ कपड़े से साफ़ करना है। ऐसा कपड़ा नहीं लेना है जिस पे तेल लगा हो, पहली तो गलती यही होगी। और कभी कभी मिस्त्री के साथ की गई बदतमीजी भी आपको भारी पड़ सकती है, अगर आप मिस्त्री के साथ बदतमीजी से पेश आएंगे तो वो आपकी इस चीज़ की कसर जो है वो यहाँ पे कोई ग्रीस का थोड़ा उस पर हाथ पे लगा होगा वो लगा सकता है, या आपका ऑयल वाले कपड़े से अगर उसने यहाँ से पूछ दिया तो आप झेलते रह जाएंगे। आप ब्रेक शू चाहे कितने भी फिर बदलवाए वो धीरे धीरे जाके ही ठीक होगा अपने आप ही। तो इस तरह से भी कई बार आपको ये चीज़ भारी पड़ सकती है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ इस तरह की चीज़ों का आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि आप ब्रेक शू कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेक शू या तो आप पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेक शू को साफ़ करने के लिए स्प्रे भी आती है, वो थोड़ा महंगा आता है, उस स्प्रे करके आप इस पूरी यूनिट को, ब्रेक शू को, ड्रम को साफ़ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और उससे भी एक अलग तरीका है, सबसे सस्ता तरीका ये है कि आप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी को पूरा उबाल लीजिए, उबाल के उसमें आपको थोड़ा सा सोडा डालना है और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर जो सर्फ होता है कपड़े धोने वाला वो डालना है, और उसके बाद उसमें गर्म पानी आपको डाल देना है, और फिर इस गर्म पानी से और इस मिक्सर से आप इस पूरे ब्रेक यूनिट को पूरा साफ़ कर सकते हैं, इसमें ये पूरे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और एक आपको ब्रश ले लेना है, टूथ ब्रश ऐसे, तो ब्रश की सहायता से सोडा और डिटर्जेंट और पानी की सहायता से आप इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। कैसे आपको साफ़ नहीं करना है, आपको डीजल से ब्रेक शू को या ब्रेक यूनिट को साफ़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि डीजल में कहीं ना कहीं चिकनाहट रह जाती है, तो ये फिर वही ब्रेक को प्रॉब्लम कर सकता है, आपके ब्रेक थोड़े कम लग सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए ब्रेक शू को साफ़ करते समय। तो ये मैं ये ब्रेक शू साफ़ कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको ये बता पाऊँगा अच्छे से कि इस ब्रेक शू में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। अभी गंदा है तो अभी आपको ये पूरा अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए। तो सफाई का काम हमारा पूरा हो चुका है, अब हम देखते हैं कि हमें ब्रेक शू में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो पहली जो चीज़ जो आपको ब्रेक शू में चेक करनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि ब्रेक शू में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई धागा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, थ्रेड या धागा निकलता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ब्रेक शू को आपको तुरंत बदल देना चाहिए, वो लोकल ब्रेक शू है और कभी भी आपको दुर्घटना का शिकार बना सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि अगर ब्रेक शू में कहीं भी आपको क्रैक दिखाई देता है, क्रैक
क्रैक या टूटने का निशान दिखाई देता है कहीं पे भी, तो ऐसे ब्रेक शू को भी आपको तुरंत बदल देना चाहिए। और साथ में ही अगर आपको कहीं पे ब्रेक शू जब आप निकालते हैं आपको दिखता है कि ब्रेक शू को कोई टुकड़ा टूट गया है कहीं से, कोई ऐसा ये जो मटेरियल है कहीं से टूट गया है या बीच में से कहीं टूट गया, तो ऐसे ब्रेक शू को भी आपको तुरंत बदल देना चाहिए। इसके साथ अब बात करते हैं कि आपको कैसा पता चले कि कब मेरा ब्रेक शू घिस गया है, उसको कैसे हम चेक करें। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो तरह से इसमें ये स्लोप है, एक ये जो है ये वाला स्लोप है और एक ये वाला है जो खड़ी वाली लाइन है। तो जब तक ये स्लोप वाली चीज़ आपके ब्रेक शू में है तब तक आप उसको चला सकते हैं। जब ये घिसते 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 यहाँ तक आ जाएगा इस वाली चीज़ तक, तब आपको ये बदल देना है यहाँ पे ऐसी वाली जो ये लाइन है। तो स्लोप वाली चीज़ जब तक है तब तक आप उसको चला सकते हैं, जब ये स्लोप वाली चीज़ ख़त्म हो गई और ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाली लाइन पे, इस वाली, तब यहाँ पे इसको बदल देना है फ्लैट वाली चीज़ पे आते। तो इतनी चीज़ तो आपको ब्रेक शू में चेक करनी है। अब एक बार लगे हाथ देख लेते हैं कि ड्रम ब्रेक में आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। ड्रम ब्रेक में आपको देखना है कि ऊपर से नीचे यहाँ ये जो निशान है या आपको अलग तरह का दिख रहा होगा जहाँ पे नहीं चलते हैं ब्रेक शू, वहाँ से नीचे आपका ड्रम ब्रेक कितना घिस गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा आपका उभरा हुआ पोर्शन आपको ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा घिस गया है ये, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको इसमें खराद का काम कराना होगा या इसको आप रेगमाल मार के अगर कम घिसा है तो उसको बारीक इकसार करके भी थोड़े बहुत दिन चला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये वाली चीज़ जहाँ पे आपके ब्रेक शू चलते हैं आपका ड्रम ब्रेक ज़्यादा घिस गया है, उसमें ज़्यादा गहराई बन गई है, तो फिर आपको इसमें ये वाली जो चीज़ है इसको स्लीव बोलते हैं, इसको आपको निकालना होगा और खराद वाला इसमें नई स्लीव डाल के देगा। और जो मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आप नए ब्रेक शू डलवाते हैं लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ये स्प्रिंग आपका इतना तुरंत दब जाता है, तुरंत इतना इकट्ठा होता है, ब्रेक आपके कम लगते हैं, तो उसका भी एक कारण यही होता है कि शू तो आपके नए हैं लेकिन ये चीज़ घिस गई है तो इसमें गैप ज़्यादा आ जाता है। तो आप जैसे ही ये पैडल दबाते हैं तो वो वहाँ पर टच करने में ही सारा ये स्प्रिंग हमारा दब जाता है, उस पर इतना प्रेशर ही नहीं लग पाता कि वो आपके ब्रेक को लगा सके। तो ऐसी कंडीशन में सोल्यूशन यही होता है कि आप खराद वाले के पास जाइए और इस चीज़ को पूरा काट के निकाल देगा और नए ब्रेक शू के हिसाब से यहाँ पे नई वाली ये स्लीव को या इस मेटल पोर्शन को नई वाली लगा देगा। और समय समय पर आपको 6 महीने साल भर में एक बार कम से कम इस तरह से ब्रेक शू को अगर आप साफ़ कर देंगे तो उसमें जितनी भी धूल मिट्टी कचरा होगा वो निकल जाएगा। तो इससे आपके ब्रेक, एक तो आवाज़ अगर आपके ब्रेक कर रहे हैं तो वो आवाज़ नहीं करेंगे और दूसरा उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए कि इसको फिट करते समय आपको ये देखना चाहिए कि ये देखिए ये इसमें एक यहाँ पे एरो बना है और ये एक एरो बना है, तो अगर आपने इस चीज़ को एडजस्ट नहीं किया है इस वाली पत्ती को तो ये आपका इसके सामने रहना चाहिए जब आप इसको फिट करते हैं, अगर आपका ये ब्रेक ड्रम एकदम सही कंडीशन में है तब। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।